फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज बहुत दिनों बाद वीडियो कर रही हूँ। तो कंटिन्यू 8 से 10 दिन बाद आज बारिश रुकी है, कल ही रुक चुकी है, पर अभी वेदर बहुत ही अच्छा है। मतलब सूरज वूरज देख पा रहे हैं, बहुत हवा चल रही है, तो इसीलिए सोचे चलो आज वीडियो बनाते हैं। और आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनने जा रहा है आज के ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज का ब्लॉग है बिरयानी स्पेशल। तो आज मैं बना रही हूँ कोलकाता का चिकन बिरयानी। तो पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। पूरा देखने के बाद आप लोग घर में भी ट्राई करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना बनाने से पहले मुझे चाहिए होता है चाय। तो फर्स्ट में हम चाय बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, चाय पत्ती चीनी अदरक दूध सब कुछ डल चुका है और ये अभी उबलेगा, अपने आप अकेले अकेले होएगा, तो इसको होने देते हैं। तब तक चलते हैं बिरयानी की प्रिपरेशन करने के लिए। और चावल को पहले भिगो लेंगे, तो हम बासमती चावल से ही बनाएंगे। तो चलिए चावल को भिगो लेते हैं। पाँच सौ ग्राम चावल, जो कि मेरे छोटे कप के हिसाब से 6 कप होता है, तो 500, हाँ 500 ही होगा। तो चलिए इसको पहले धो के और भिगो देते हैं। तो फ्रेंड्स, चाय बन चुकी है, चलिए इसको उतार लेते हैं। ज़्यादा बन गई है, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा एनर्जी होती है। फ्रेंड्स, अभी प्रिपरेशन बहुत बाकी है, क्योंकि कुछ भी नहीं किया है मैंने। मुझे अचानक से मन हुआ कि आज चलिए बिरयानी बनाते हैं। और बहुत दिन हो गए कि हमने कोलकाता की बिरयानी भी मतलब ट्राई की है, टेस्ट की है, ताकि बहुत दिन हो गए बिरयानी नहीं खाई। और यहाँ का बिरयानी यार बहुत अजीब सा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी, निजाम बिरयानी ये सब मिलता है। तो मैं आज जो बिरयानी बनाऊँगी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है। जो बैचलर्स लड़के वगैरह हैं जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है, वो लोग भी बहुत अच्छे से घर पे ट्राई कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी डिटेल्स में बताने की, ताकि आपको बनाने में भी बहुत ईजी हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अभी तक चाय को इन्जॉय, और तब तक बाद में फ्रेंड्स अभी करेंगे बहुत बोरिंग काम, जो कि है मुझे लहसुन छीलना है। तो लहसुन छीलना है, आलू छीलना है, प्याज छीलना है, सब कुछ एक्चुअली रेडी करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए मेरा शैतू जग गया है, मैं बस चाय पी रही थी और ये उड़ गया है और इसका फ्लाइंग शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग फ्लाइंग। अब चलिए देखते हैं, व्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये अभी ऐसे ही लेटा रहेगा, मैं तब तक कर लेती हूँ अपना ये थोड़ा सा बेड क्लियर। तो बक 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 बाला। तो बाय फ्रेंड्स, इसके साथ अभी मस्ती चलेगी, मतलब थोड़ी देर हम मस्ती करेंगे। तो देखिए ये अभी मस्ती के मूड में है, अभी ये तो ये अभी इसके मस्ती स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी देर चलेगा, क्योंकि नहीं तो इसका मूड अच्छा नहीं होगा और मुझे काम मतलब किचन में जाने नहीं देगा। तो इसके साथ थोड़ी देर खेल के इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करके फिर मैं किचन में बाकी का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चिकन साफ करके रख दिया है, ये है चिकन, यहाँ पे 700 ग्राम चिकन है और यहाँ पे आलू फ्राई करके रखा है और प्याज का बेरस्ता भी बनेगा। तो इसको रेडी करके फिर प्रोसेसिंग में So friends, सब चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने फर्स्ट में इसमें बिरयानी मसाला डाला है जो कि होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी डल रहा है लाल मिर्च का पाउडर, और इसके बाद आप डाल सकते हैं इसमें काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें अब डलेगा जो मैंने पहले पानी झड़ने के लिए रख दिया है, वो है दही। तो दही आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिए चिकन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे कम से कम
300 ग्राम दही डाला है और आप लास्ट में ये सारी चीज़ों को एक साथ मैरिनेट करके आपके पास जितना भी टाइम है आप उसको रख देना 15-20 मिनट के लिए। और साइड में मैंने यहाँ पे आलू फ्राई करके रखा है और प्याज का बिरिस्ता भी रेडी कर लिया है, तो ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे। और इस साइड में मैंने पानी चढ़ा दिया है, पानी में हम नमक दे देंगे थोड़ा ज़्यादा करके ताकि हमें बाद में नमक ना यूज़ करना पड़े। और इसके साथ यहाँ पे थोड़े मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च और तेज़पत्ता डाल देंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालेंगे और एक आधा नींबू डाल देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो खिले खिले बने। और इस साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, हम मैरिनेट किया हुआ चिकन को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके इसका अच्छे से कलर आने तक वेट करेंगे और आप अपने हिसाब से फ्राई कीजिएगा, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, कम चाहिए तो कम। और इधर मैंने पानी उबलने के बाद जो भिगाया हुआ चावल था वो भी डाल दिया है। और इस साइड में अभी हम जो बाकी के ग्रेवी था चिकन को देने के बाद वो भी बाद में मैंने ऐड कर लिया। ऐड करके इसको 2-3 मिनट तक पकाया। अब इसको क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, आलू और चिकन को एक साथ हम थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने तक वेट करेंगे। और इस साइड में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चावल बहुत खिले खिले बने हैं और अच्छे से इसको हमने सुखाने के लिए डाल दिया है। और अभी इस चिकन के अंदर केवड़ा वाटर और रोज़ वाटर डलेगा 1.5 चम्मच। तो ये डालने के बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करके हम इसको ढक देंगे 10 मिनट तक। तो 10 मिनट के बाद फिर हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। और फिर फ्रेंड, इसका जितना भी एक्सेसिव ऑयल और मसाला रहेगा हम उसको अलग कर लेंगे और चिकन को आलू को अलग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, काम को जल्दी से कर लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सब कुछ सॉफ्ट हो चुका है, अब मैं इसको अलग कर लूँगी। तो अलग करने के पहले ये चावल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और इसको हम अब साइड में रखेंगे। चावल को अच्छे से ठंडा होने तक ही वेट करें, गरम गरम चावल आप ना ले तो ही अच्छा है। और ये एक्सेसिव ऑयल और मसाला जो हम लेयरिंग के टाइम में यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप अब हम लेयरिंग को दिखाते हैं बहुत जल्दी। और बहुत ही शॉर्टकट में ये बना है, तो इसमें कोई भी ज़्यादा झमेला नहीं है, आपको ये वो उतना कुछ मैरिनेट करना, ये वो करना कुछ नहीं पड़ेगा। तो लेयरिंग से पहले और एक चीज़ हमें रेडी करना है, वो है फ्लेवर लाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध ले लिया है कटोरी में और दूध के अंदर दे दिया है मीठा इत्र। ये मीठा इत्र ज़रूर डालिए, इसके बगैर कोलकाता बिरयानी इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि यहाँ की बिरयानी में मीठा इत्र यूज़ नहीं होता है। और मीठा इत्र के अंदर हम थोड़ा सा, और इस वाले हंडी में मैं लेयरिंग करूँगी। तो लेयरिंग के लिए पहले मैंने मसाला नीचे डाल दिया था, उसके ऊपर मैंने चावल डाला था, और अब डाल रही हूँ आलू और चिकन का कुछ पीसेस। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे, अगर नमक कम है तो, अगर नहीं चाहिए तो नहीं देना। और उसके बाद हम लास्ट में इसके ऊपर चावल और छिड़क देंगे, मतलब चावल का और एक बेस दे देंगे। तो चावल का एक लेयर देने के बाद अगर आपको लग रहा है कि चावल और ज़्यादा है तो आप और एक लेयर डाल सकते हैं चिकन का, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए। मैंने यहाँ पे बस 2 ही लेयर दिए हैं, बाकी मैं इसके ऊपर आलू और बिरस्ता देने के बाद थोड़ा सा बिरयानी मसाला और छिड़क दूँगी। और बाकी का काम हमारा लास्ट में जो होगा वो है एक नींबू डालना है, और जो हमने फ्लेवर के लिए मीठा इत्र दूध के अंदर घोल के रखा है वो लास्ट में हम इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। तो बस फ्रेंड, ये रेडी है। अब इसको हम दम में देने के लिए अच्छे से इसका जो ढक्कन से इसके मुंह को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आटा वाटा कुछ यूज़ नहीं किया, कि बस एक साफ कपड़ा था कपड़े को। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में ये तेल डल रहा है, ये तेल ज़रूर डालिएगा, इस तेल से भी इसका जो चावल है बहुत ही अलग अलग और खिला खिला बनता है। तो अभी हम इसको स्टीम में रखने के लिए एक तवा गर्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम दम में रखेंगे कम से कम 10-20 मिनट तक, और इस तरह से इसको पूरे फिक्स करके दम में रखना है। सो फ्रेंड्स, बिरयानी फाइनली बनकर रेडी हो चुकी है और लुक्स देख के आपको भी बहुत ही, सो फ्रेंड्स, हमारी गर्म गर्म टेस्टी कोलकाता चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। और चिकन बिरयानी जो कोलकाता की होती है उसमें अगर एग ना हो तो वो पूरा इनकम्प्लीट होता है। तो देखिए, मैंने एक अलग से एग उबाल के इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पर सलाद है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी भी बना है, आप लोग यकीन नहीं करोगे इतना टेस्टी बना है कि मैं क्या कहूँ। शायद आप लोग थोड़ा सा गेस कर पा रहे हो उसका कलर और स्ट्रक्चर देख के, क्योंकि चावल पूरे अलग अलग और खिले खिले हैं और एक भी चावल टूटे भी नहीं हैं, बासमती राइस है तो और भी अच्छा फ्लेवर दे रहा है। तो आप जब भी बनाएं तो प्लीज़ बासमती राइस से ही बनाएं, तो ही आपका बिरयानी का जो फ्लेवर आता है अच्छा आता है। बाकी तो हम घर में ऐसे नॉर्मली डेली खाने के लिए बनाएंगे तो कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे रायता ले लिया है, रायता के साथ ये बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन जा रहा है। सो
तो फ्रेंड्स चलिए अब हम करते हैं गर्मा गर्म बिरयानी इंजॉय। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इधर मेरे हस्बैंड का तो आधा ख़त्म भी हो गया है, तो अभी मैंने अभी शुरू नहीं किया था। सो फ्रेंड्स चलिए अब मैं करती हूँ शुरू। आप लोग बस देख के ही पेट भर लीजिए, और अगर आप लोगों को खाने की इच्छा हो रही है तो आप लोग प्लीज़ 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 घर में एक बार ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स हमारा लंच हो गया है कंप्लीट, और सच बताऊँ तो बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने कोशिश की जितना हो सका था, नहीं होता है क्योंकि आज संडे है, खास करके संडे को तो हम घूमने जाते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। और सच बताऊँ तो बिरयानी का टेस्ट सच में वाओ था। आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ब्लॉग और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।